मैं विवेका गोयल रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए करते हैं कुछ बातें सनातन धर्म की। हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष का बड़ा ही महत्व है। हिंदू दर्शन की मान्यता है पीपल के पत्ते पत्ते में देवताओं का वास रहता है, विशेषकर विष्णु जी का। अथर्ववेद और छंदोग्य उपनिषद में इस वृक्ष के नीचे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः, यानी मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के मूल रूप में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी व अग्र भाग में भगवान विष्णु जी साक्षात रूप से विराजित है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। पीपल वृक्ष का पूजन करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं पीपल वृक्ष पूजन के लाभ। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए इस तिथि पर पीपल पूजा से गरीबी दूर हो सकती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, इसकी शाखाओं में भगवान नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास हमेशा रहता है। पीपल की पूजा करने से मनुष्य के हजारों पापों का नाश हो सकता है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयु बढ़ती है। पीपल को जल चढ़ाने से कुंडली के सभी दोष दूर हो सकते हैं और दुर्भाग्य से मुक्ति मिल सकती है। पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसमें सब तीर्थों का भी निवास होता है, इसीलिए मुंडन आदि पवित्र संस्कार पीपल के नीचे करवाने की परंपरा है। शनि की साढ़े साथी या डैया से बचने के लिए हर शनिवार पीपल को जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाने से अक्षय पुण्य मिलता है, बड़ी बड़ी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे वैसे तो रोजाना सरसों के तेल का दीपक जलाना अच्छा काम है। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो शनिवार की रात को पीपल के नीचे दीपक जरूर जलाएं। पीपल के तने पर सफेद कच्चा सूत लपेटने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। पीपल का पेड़ ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, वह 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है, इसीलिए इसके पास जाने से कई रोग दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। अमावस्या और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा कर अर्चना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने से परेशानियां दूर होती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे रविवार को पीपल पर जल चढ़ाना निषेध है। शास्त्रों के अनुसार रविवार को पीपल पर जल चढ़ाने से घर में दरिद्रता आती है। पीपल के वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए, ऐसा करने से पितरों को कष्ट मिलते हैं और वंश वृद्धि में रुकावट आती है। किसी विशेष काम से विधिवत नियमानुसार पूजन करने से व यज्ञावधि पवित्र कामों के लक्ष्य से पीपल की लकड़ी काटने पर दोष नहीं लगता। आशा है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विवेका गोयल आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।